भद्रवा और आसपास के इलाकों के स्थानीय युवकों के बीच मजबूत इमारत और बढ़ती साहस के अपने काम को आगे बढ़ाते हुए वॉलीबॉल टूर्नामेंट सरकार द्वारा 2016-17 में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत दूसरा चरण आयोजित किया गया। उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय सरटनाल भद्रवा में उपस्थित होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में शासकीय HR उपस्थित थे और वॉलीबॉल और नेट विजेता और धावक की टीम को ट्रॉफी पदक और नकद पुरस्कार दिया गया। CAR पद्मा कुमार कमांडेंट 33 BN CRPF ने संबोधित किया और CRPF के माध्यम से किए जाने वाले सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हमारा मकसद यही है जो पब्लिक और पुलिस कोरिलेशन थोड़ा और नजदीक जाए, थोड़ा क्लोज हो जाए, ताकि जो पब्लिक जो गलत फहमी है जो पुलिस और फोर्स के बल के बारे में जो वो मिट जाए और एक स्ट्रांग रिश्ता कायम रहे ताकि हमारे सोसाइटी के लिए उससे फायदा हो। क्या आपको लगता है कि ऐसे इवेंट हेल्प करते हैं उस चीज को करने में, ब्रिज गैप करने में? यस, क्योंकि जो ये डर है जो हम लोग पुलिस और ये डीजे और नया पीढ़ी है जो यूथ है, तो वो जो कई दूसरे रास्ते से यूथ एंटी नेशनल एलिमेंट का जो मिस गाइडेंस से कई उस जाने से हम लोग के साथ थोड़ा करीब आ जाए, तो हम लोग ये जो ये तो एक जस्ट मीडियम है जो कोई स्पोर्ट्स और गेम्स और बट इसके थ्रू हम लोग उनका क्लोज जाके हम थोड़ा तो उनसे फ्रेंडशिप बना के इन लोगों को अच्छी चीजें बताते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।